नमस्कार फ्रेंड्स, मैं विकास पांडे आप सबका अपने चैनल फिन मैटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर वास्तव में आप कोटक महिंद्रा 111 में फ्री अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो क्लिक किया है। प्लीज़ अगर आपने वीडियो को क्लिक किया है तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो देख लें ताकि आसानी से ये अकाउंट आप खोल सकें। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस अकाउंट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स के साथ साथ क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपके जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या लगने वाले हैं, और साथ ही साथ एक एक प्रोसेस, जी हाँ दोस्तों, एक एक प्रोसेस हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि किन किन प्रोसेस से होके फाइनली घर बैठे हम इस अकाउंट को आसानी से खोल पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सब कुछ हम लोग केवल इस एक ही वीडियो में देखने वाले हैं, और मैं इस बात की पूरी गारंटी आपको देता हूँ कि इस पूरे कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल आसानी से अपना अकाउंट खोल सकेंगे, बिल्कुल जीरो मेंटेनेंस चार्ज के साथ। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। स्टार्ट करने के पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल भी ऑन कर लेना ताकि जब भी यहां से कोई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सीधे आपको। अगर हम लोग इस अकाउंट के बेनिफिट्स की बात कर लें तो बेनिफिट्स ढेर सारा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका बिल्कुल फ्री में एक रुपए भी आपका खर्च नहीं होने वाला है, और आपका सेविंग अकाउंट आसानी से खुल जाता है। कोई मेंटेनेंस चार्ज यहाँ पे आपका नहीं लगने वाला है, आप बिल्कुल जीरो बैलेंस रखें पूरे सालों साल। को बात कर लें हम कि एलिजिबिलिटी की, कि आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे इस अकाउंट को ओपन होने के लिए क्या होनी चाहिए। मैं बता दूं आपको, कम से कम आपका एज 18 इयर्स चाहिए। आप 18 इयर्स से कम भी हैं तो वहाँ पे माइनर अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको एक गार्जियन की आवश्यकता होगी। इसके बाद आगे बढ़ें अगर हम, तो कोई भी इंडियन पर्सन आसानी से इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात कर लें तो आपके पास कोई एक रेजिडेंस प्रूफ आपके पास होना चाहिए, कोई एक आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड अगर है तो बहुत ही आसानी से वीडियो केवाईसी के साथ आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आगे हम बात कर लें इस अकाउंट को ओपन करने के लिए प्रोसेस की, तो आइए अभी हम लोग देख लेते हैं कि वो कौन कौन से प्रोसेस हैं जिसके थ्रू हो करके हम लोग इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद सीधे आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको अपना नेम, मोबाइल नंबर, उसके बाद आपका ईमेल आईडी और आपका पिन कोड ये डाल के आपको सबमिट करना होगा। जैसे ही इस दिए हुए लिंक पे जाके आप इसको सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद जो अगला विंडो आपके सामने ओपन होगा, आप देख सकते हैं अपने बगल में कि यहाँ पे आपको सबसे पहले डालना होगा अपना नेम, फुल नेम अकॉर्डिंग टू योर डॉक्यूमेंट्स, ओके। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक बार फिर से यहां पे एंटर करेंगे आप। इसके बाद यहां पे, यहां जो दो ऑप्शन दिया हुआ है, आई एम नॉट अ पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन और आई एम एन इंडियन सिटीजन एंड अ टैक्स रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑफ नो अदर कंट्री, ओके। इसको दोनों को आप चेकबॉक्स को क्लिक कर लेंगे और उसके बाद आप यहां पे ओपन नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ओपन नाउ पे क्लिक करते हैं, इसके बाद जैसे आगे बढ़ते हैं आप, तो यहां पे आपको ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे गया होगा। जो यहाँ पे जो मोबाइल नंबर डाला आपने, उस मोबाइल नंबर पे आपके ओटीपी जाएगा। ओटीपी को डाल के इसके बाद आप जो है कि नेक्स्ट करेंगे। अगर ओटीपी नहीं आया गया हुआ है तो यहाँ पे रिसेंट ओटीपी कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं तो रिसीव अ कॉल भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको एक कॉल आएगा, कॉल में आपको बताया जाएगा एक ओटीपी, और वहां पे ओटीपी आप डाल लेंगे। प्लीज फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देख लीजिएगा, बिल्कुल फ्री में आप अकाउंट यहां पे खोलना सीख रहे हैं, बिल्कुल फ्री में। आइए दोस्तों, जैसे आप नेक्स्ट को क्लिक करते हैं, नेक्स्ट को क्लिक करने के बाद यहां पे आपको लिखे, यहां पे ऑप्शन जैसा कि देख सकते हैं, डू यू एग्री टू वॉलंटरी यूज योर आधार डिटेल्स टू ओपन एन अकाउंट, यानी कि आपको आधार कार्ड के लिए आपको अलाउ करना होगा कि उसके थ्रू आप अकाउंट यहां पे ओपन कर सके। आप आधार कार्ड पक्का आप नंबर डाल दीजिएगा, जिससे कि आसानी से घर बैठे आपका वीडियो केवाईसी हो सकेगा। तो यहां पे हम लोग वीडियो केवाईसी भी जानने वाले हैं कि कैसे उसको हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। यहां पे आप यस पे क्लिक करेंगे, यस को जैसे क्लिक करेंगे आप, उसके बाद जो अगला विंडो आपके सामने ओपन होगा, यहां पर दो चीजें आपको डालनी होंगी। सबसे पहले आपको आपका पैन कार्ड का नंबर डालना होगा, पैन कार्ड के बाद आपका आधार कार्ड का नंबर डालना होगा। दोनों को आप सही से बिल्कुल डाल के उसके बाद आगे क्या करेंगे, आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहां पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको देख सकते हैं, वो है, आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। उसके बाद आगे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो अगला विंडो आपके सामने ओपन होगा, यहां पे एक बार फिर से आपको ओटीपी आपके आधार कार्ड पे गया होगा, यानी कि बहुत आवश्यक है कि आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल लिंक हो जिस पे कि ओटीपी जाए तो आसानी से आप यहां पे पा सकें। जैसे आप उसको
ओटीपी को यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, क्लिक करेंगे, अगर मिल गया तो, नहीं तो रिसेंड भी कर सकते हैं, और यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपका यहाँ पे आधार लिंक मोबाइल नंबर फिर से एक बार यहाँ पे पूछ रहा है। ओके, तो आप यहाँ पे उस मोबाइल नंबर को फिर से डालेंगे, और डालने के बाद आगे आप कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद क्या होता है, आगे जब बढ़ेंगे आप तो यहाँ पे जो आपके आधार कार्ड के रिकॉर्ड के हिसाब से जो आपका एड्रेस होगा वो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे शो कर देगा। प्लीज फ्रेंड्स आगे समझिए इसको कि आगे इसके बाद अब क्या होगा। जैसे यहाँ पे आप कंटिन्यू कर देंगे, यहाँ पे क्या होगा, एड्रेस जो आपका फैच कर लिया आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, उसको देखने के बाद आप यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू पे आप क्लिक करते हैं, इसके बाद जो अगला विंडो आपके सामने ओपन होगा, इसमें क्या होगा, कुछ आपके बेसिक डिटेल्स यहाँ पे और आपसे पूछे जाएंगे। जैसे देख सकते हैं, टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योर सेल्फ, यहाँ पे आपका जेंडर मेल या फीमेल आप जो है, डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है वो आप यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है या सिंगल है वो चूज कर लीजिएगा। आगे जैसे बढ़ेंगे आप, यहाँ पे एक और कुछ चीज नहीं है, जैसे कि आपका ऑक्यूपेशन, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप काम क्या करते हैं, स्टूडेंट हो, रिटायर्ड हो, सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड, जो भी है आप ऑक्यूपेशन अपना चूज कर लेंगे। इसके बाद आपका एनुअल इनकम यहाँ पे चूज कर लीजिएगा, आपको स्लॉट आपको दिखाई दे देगा वहां पे कि 1 लाख तक या 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख से कम, जो भी आपका एनुअल इनकम होगा उसको आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। जैसे आप इस ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक करते हैं, आगे बढ़ेंगे, उसके बाद जो अगला विंडो आपके सामने ओपन होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या आप अपना नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे कि डू यू वॉन्ट टू एड अ नॉमिनी फॉर योर अकाउंट नाउ, तो अगर आप चाहते हैं येस तो आप येस कर लीजिएगा, अगर चाहते हैं नो बाद में कर लेंगे तो फिर नो कर लीजिएगा। मैं तो यही कहूंगा कि आप यस कर लीजिएगा। ओके भाई, जब अकाउंट ओपन कर रहे हैं फटाफट जो भी होता जाए तत्काल में होता जाए ज्यादा अच्छा होगा। तो आप जैसे यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे तो यस कंटिन्यू करेंगे, जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, नॉमिनी का आपका नेम पूछा जाएगा, आपके नॉमिनी का नेम क्या है, जो भी आपका नेम होगा आप नॉमिनी का नेम वहां पे एंटर करेंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पे रिलेशनशिप विद अकाउंट होल्डर, क्या आपका रिलेशन है, आपका डॉटर है, सन है, ब्रदर है, जो भी आपका रिलेशन है वहां पे आपको चार्ट ओपन होगा, वहां पे आप डाल दीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी के आपके डेट ऑफ बर्थ क्या है उसको आप डाल देंगे। उसके बाद नॉमिनी का एड्रेस भी यहां पे आपको डालना होगा। ओके, यहाँ पे क्या है कि एड्रेस अगर आप जस्ट देख सकते हैं कि सेम एज माई कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी कि हो सकता है कि आपका और आपके नॉमिनी का एड्रेस सेम है, तो वहां पे सेम एज पे आप चेकबॉक्स पे क्लिक करके आप आगे चाहें तो प्रोसीड कर सकते हैं, वरना अगर नया एड्रेस कोई और है तो वहां पे एड्रेस में आप पूरा फुलफिल कर लीजिएगा, पिन कोड डाल दीजिएगा, उसके बाद आगे आप उसको प्रोसीड कर देंगे। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो फिर से वही जहां पे पूछ रहा था कि यस या नो आप नॉमिनी ऐड करना चाहते थे नहीं चाहते हैं, वहां पे उसी पेज पे आपको लेके चला आएगा। यहां पे फिर से एक बार जैसे देख सकते हैं कि यहां पे चेकबॉक्स दिया हुआ है टर्म्स एंड कंडीशन के लिए, तो यहां पे आई एक्सेप्ट ऑल एप्लीकेबल टर्म्स एंड कंडीशन, इस पे आपको चेकबॉक्स पे टिक करके आगे यहां पे कंटिन्यू करना होगा। जैसे आप यहां आगे आप कंटिन्यू करते हैं, इसके बाद अगला विंडो जो आपके सामने ओपन होगा, यहां पे क्या होगा कि आपके जो भी डिटेल्स अभी तक आपने यहां पे डाला हुआ है वो सारी डिटेल्स आपके सामने यहां पे ओपन हो जाएगी, जैसे डेट ऑफ बर्थ आपका, ऑक्यूपेशन, इनकम, मैरिटल स्टेटस, फादर्स नेम, मदर्स मैडन नेम, ये सब कुछ यहां पे दिखाई देगा। उसके बाद आपके नॉमिनी का नेम, जो भी आपका नॉमिनी है उसका नेम, उसका आपका रिलेशन यहां पे शो करेगा। आगे यहां पे आपको कंटिन्यू कर लेना है। जैसे आगे आप यहां पे कंटिन्यू करते हैं तो कंटिन्यू करने के बाद कुछ और यहां पे डिक्लेरेशन के लिए कुछ आपके कंडीशंस यहां पे सामने आएगा, आप उसको रीड करके देख लीजिएगा क्या क्या लिखा हुआ है। उसके बाद यहां पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, सब पे चेकबॉक्स पे सब पे क्लिक करके उसके बाद यहां पे आप कंटिन्यू करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू करते हैं तो यहां पे कुछ और कंडीशंस यहां पे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन यहां पे दिया हुआ है, उसको आप रीड करके उसके बाद यहां पे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आगे बढ़ेंगे आप तो यहां पे आपको कम्युनिकेशन एड्रेस आपको डालना होगा, यानी कि आपका करेंट एड्रेस अभी क्या है, हो सकता है कि आपके आधार कार्ड का एड्रेस ही आपका करेंट एड्रेस हो तो यहां पे डाल सकते हैं आप, वरना एड्रेस अगर अलग है तो उसको भी आप यहां पे एंटर कर लीजिएगा। एंटर करने के बाद आई कंफर्म द फॉलोइंग यहां पे इस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहां पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद क्या होगा कि यहां पे देख सकते हैं, जैसे कि वी रिक्वेस्ट यू टू अलाउ अस टू एक्सेस योर लोकेशन इन ऑर्डर टू प्रोसीड विथ योर वीडियो केवाईसी रिक्वेस्ट। यहां पे आप वीडियो केवाईसी करने अब जा रहे हैं। वीडियो केवाईसी बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल स्टेप्स में आसानी से आप इसको कंप्लीट कर ले जाएंगे। जैसे आप आगे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका लोकेशन यहां पे अलाउ हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि यहां पे जैसे देख सकते हैं आप, यहां पे एक विंडो आपके सामने ओपन होकर आएगा जिसमें कि आपको केवल अलाउ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप अलाउ पे क्लिक करेंगे तो अलाउ पे क्लिक करने के बाद यहां पे देख सकते हैं, अपलोड योर पैन कार्ड फोटो एज फॉलोज, तो यहां पे आपको
क्या होगा, ओरिजिनल पैन कार्ड आपका अपलोड करना होगा। उसके पे जैसे क्लिक फोटो पे क्लिक करेंगे, यहाँ नीचे ऑप्शन देख सकते हैं रेड वाला, वहाँ पे क्लिक फोटो पे जैसे करेंगे तो आपका मोबाइल का जो कैमरा होगा ऑन हो जाएगा और जो भी आपका पैन कार्ड है उसका आप फोटो आसानी से यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। सामने बिल्कुल क्लियर उसका इमेज आए, उसको आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद जैसे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे अपनी सेल्फी लेनी होगी। सेल्फी आप यहां पे ले लीजिएगा। दोस्तों प्लीज कंप्लीट वीडियो देख लीजिए, कंप्लीट प्रोसेस जान लीजिए ताकि आपको अकाउंट ओपन होने में कोई दिक्कत ना आए। जैसे यहां पे अपना सेल्फी के लिए आपको अलाउ करना, क्लिक फोटो पे इस पे क्लिक करेंगे, आपका सेल्फी वाला कैमरा, फ्रंट कैमरा आपका ऑन होगा मोबाइल का, उससे आसानी से आप अपना पिक्चर सेल्फी अपना ले लीजिएगा। आगे आप क्लिक फोटो जैसे करते हैं, अब क्या होगा आगे इसके बाद से कि अपलोड अ फोटो ऑफ योर सिग्नेचर एज फॉलोज, आपको अपने सिग्नेचर यहां पे अपलोड करना होगा। सिग्नेचर के लिए क्या करना होगा, एक आप व्हाइट पेज ले लीजिएगा, ब्लैक पेन ले लीजिएगा, उस पर अपना साइन करके रेडी रखिएगा और यहां पे क्लिक फोटो पे जैसे करेंगे आपके मोबाइल का कैमरा ऑन होगा। उसके बाद जो फोटो पे आपने साइन किया हुआ है उसको आप क्लिक करके उसको भी अपलोड कर लेंगे। बहुत ही आसान दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है, आप आसानी से यहां पे अकाउंट खोलना है फ्री में, बिल्कुल कोई चार्ज नहीं, बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे खासे हैं। आगे जैसे बढ़ते हैं, यहां पे क्या होगा कि यहां पे शो करेगा कि हमारा एजेंट जल्दी ही आपसे कॉन्टेक्ट करेगा। उसमें क्या होगा कि आपका वीडियो केवाईसी के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा और यहां पे जैसे आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू स्टार्ट योर वीडियो केवाईसी, यहां पे इसको आप अलाउ कर देंगे। जैसे आप अलाउ कर देते हैं तो अलाउ करने के बाद अब आपका यहां पे वीडियो केवाईसी बिल्कुल यहां पे स्टार्ट होने वाला है। थोड़ा टाइम आप वेट करेंगे, वेट करने के बाद क्या होगा कि आपको वीडियो केवाईसी के लिए आपका कोई बैंक, महिंद्रा बैंक का एक कोई रिप्रेजेंटेटिव आपके सामने आएगा और वो आपका क्या बोलेगा, आपको ओरिजिनल आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपको जो भी एड्रेस प्रूफ या जो आपका आईडी प्रूफ है उसको शो करने के लिए कहेगा। आप उसको दिखा देंगे, जैसे आप उसको दिखा देते हैं तो दिखाने के बाद क्या होगा कि आपका वहां से वो कंफर्म कर देगा। कंफर्म उसके करते ही वहां से आपके अकाउंट नंबर जो है वहां पे आपके सामने जो है कि ओपन हो जाएगा। आपका अकाउंट नंबर यहां पे शो करेगा, आपका जो सीआरएन नंबर है वो शो करेगा, आपका आईएफएससी कोड शो करेगा और उसके साथ ही साथ आपका फ्री डेबिट कार्ड भी यहां पे शो करेगा कि जी हाँ आपका ये आपका डेबिट कार्ड है, वर्चुअल डेबिट कार्ड भी यहां पे दिखा देगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको तुरंत आपका अकाउंट नंबर या आपका डेबिट कार्ड का वर्चुअल कार्ड का नंबर आपको तुरंत शो नहीं किया जा रहा है तो थोड़े टाइम बाद भी वो आपको ईमेल की सहायता से आपके ईमेल पे वो आ सकता है। मेरे केस में हालांकि ऐसा ही हुआ था कि मेरे ईमेल आईडी पे ही आया था। उसके बाद क्या होगा कि आपको जब आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, आपका सीआरएन नंबर मिल चुका है तो आप आसानी से जाके क्या करेंगे कि आप कोटक महिंद्रा का आप जो है कि ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। गूगल पे इंस्टॉल करने के बाद वहां पे जाके आप आसानी से लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको यहां पे जनरेट कर सकते हैं सीआरएन नंबर और अकाउंट नंबर और आपके आईएफएससी कोड की सहायता से। और अंदर जाने के बाद आपको ढेर सारे आपके ऑप्शंस यहां पे शो करेगा, दिखेगा आपको, उन सारे ऑप्शंस का आप आसानी से यूज कर सकोगे। फ्रेंड्स ये रहा आपको कुल मिला के इस वीडियो के विषय में, इस अकाउंट ओपनिंग के विषय में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो भी होगा इस वीडियो के विषय में अपनी राय अवश्य दीजिएगा ताकि आपके राय के हिसाब से आप आने वाले वीडियो में हम सुधार कर सकेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।